असल दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड टूडे इज़ लेक्चर नंबर सिक्स लेट अगेन एज यूजल लेट्स विद द रिक वॉट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर पिछली दफ़ा हमने सी लैंगवेज के कंडिशनल कॉन्स्ट्रक्ट देखे एफ और एफ एल्स एक और कंडिशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रकट है लेकिन उसको हम फॉलोइंगक्चर्स में कवर करेंगे ईफ़ के साथ हमारे प्रोग्राम्स थोड़े से इंटेलिजेंट होने लग पड़े हैं अब हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है जिसको आज हम जिक्र करेंगे जिसका हम आगाज़ करेंगे आज वो है लूप यानी कि रेपटेशन स्ट्रक्चर्स कई दफ़ा और आम जिंदगी में भी हमें कई चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं एक सिंपल सा ट्रिवियल एग्जांपल ले लें कि जी हम कहते हैं कि जी रोज़ सुबह होती है और रोज़ शाम होती है एंड सो ऑन इफ यू लुक एट अ मंथ यू हैव रिपीटेड द सेम साइकिल थर्टी टाइम्स इफ दे आर थर्टी डेज इन दैट मंथ सो रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स अकर ऑल द टाइम अगर हम कहें किसी फैक्ट्री का पेरोल प्रोसेस करना है तो पेरोल जो है वो भी पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक कुछ हमने कैलकुलेशनें करनी हैं यूजली ये कैलकुलेशंस एक किस्म की होती हैं तो इनको बार बार रिपीट करना पड़ता है सो अगेन अ रेपिटेशन स्ट्रक्चर इन रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए चलें थोड़ी सी एक्सरसाइज़ करते हैं कोई इंटरेस्टिंग किस्म की मेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं लेट्स सपोज़ कि मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ अभी हम इंटीजर्स की ही बात करते रहते हैं मैं प्रॉब्लम आपको देता हूँ कि जी मुझे एक प्रोग्राम लिख के दें जिसमें पहले दस इंटीजर्स जो हैं एक से ले कर दस तक उनका सम आप प्रिंट करें तो ठीक है आप अभी पास आपके पास जो टूल्स हैं उनके साथ आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं एंड द सिंपल एग्जांपल वुड बी सिंपल अप्रोच वुड बी समथिंग लाइक ईदर यू से इंट सम एंड द नेक्स्ट लाइन सेज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव एंड सो ऑन प्लस टेन सेमीकोलन सी आउट लेस दैन लेस दैन सम चलिए जी प्रोग्राम लिखा गया लेकिन इतनी आसानी से जान नहीं छोटती कहता हूँ लिख लिया चल गया कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है यू हैव सीन द आउटपुट सो नाउ यू नो वट द सम ऑफ द फर्स्ट टेन इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन इज सो लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड मी द सम ऑफ द फर्स्ट वन हंड्रेड इंटेजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन वट यू डू ओके आप में से जो ज़्यादा बोर नहीं होते और ज़्यादा मेहनत करते हैं वो बैठ के कीबोर्ड पे फिर प्रोग्राम खोल लेंगे और वो सम को लिखना शुरू हो जाएंगे प्लस 11 प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टीन और शाम को आप आएंगे कि जी हंड्रेड तक टाइप कर लिए आंसर आ गया तो मैं थोड़ा सा इस मामले में ख़राब बना हूँ मैं कहता हूँ वेरी वेरी गुड यू हैव नाउ अपेंड द सम ऑफ द फर्स्ट वन हंड्रेड सो प्लीज़ गो एंड नाउ गेट मी द सम ऑफ द फर्स्ट वन थाउजेंड यू सी वेयर वी आर गोइंग अब जो है उसको आप क्या हज़ार तक लिखेंगे बैड प्रैक्टिस द वे टू लुक एट दिस प्रॉब्लम इज एज फॉलोज हम कहते हैं कि जी इंटीजर हमें पता है हमने तो डिफाइन ही कर दिया प्रॉब्लम में किसी एक से लेके हज़ार तक का सम लेना है अगर आपके पास इंटीजर नंबर वन हो डू यू हैव एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वॉट द नेक्स्ट इंटीजर इज आई एम श्योर यू हैव यू डन इट इन कैलकुलस इट इज़ द प्रीवियस इंटीजर प्लस वन ये एक बड़ी जेनेरिक सी स्टेटमेंट दे दी है कि इफ़ यू गिवन वन व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीजर इट इज़ वन प्लस वन आंसर टू इफ यू गिवन टू व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीजर इट्स टू प्लस वन यानी हर दफ़ा नेक्स्ट इंटीजर हासिल करने के लिए आप प्रीवियस इंटीजर में एक जमा करते हैं सो so, अब अगर देखें कि हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम जो था फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट वन थाउजेंड इंटेजर स्टार्टिंग फ्राम वन उसको कैसे अप्रोच किया जाए तो उसके एनालिसिस के लिए हम ये करेंगे कि जी पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वही वेरिएबल का कॉन्सेप्ट याद है ना बाल्टी सो देर अ बकेट लाइंग ओवर देर उसके ऊपर लिखा हुआ है सम और वो बाल्टी इस वक्त खाली है विच मीन्स वी विल डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटेजर इंट सम उसको हम इनिशलाइज करेंगे अगेन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि जी पहले मेक योर द बकेट इज एम्प्टी और इट कॉन्टेन्ज वॉट वी वॉन्ट टू कॉन्टेन क्योंकि अभी हमने काम शुरू नहीं किया हम कहते हैं कि जी सम के अंदर बाल्टी के अंदर जीरो रख दें सो इसे सम इज इक्वल टू ज़ीरो अब क्या करना है अनालिसिस अभी हो रहा है तो हम कहते हैं पहले तो पहला इंटीजर उठाएँ देट बाई डेफिनेशन फॉर आर प्रॉब्लम इज वन यू पुट दैट इन द बकेट Then you find the next integer, which is the previous integer, in this case 1, add 1 to it, that gives us 2. Now put this in the bucket in a way that it adds to the previous value. You find the next integer plus 1, put it in the bucket in such a way that it adds to the next value, and so on. So, you see what you be doing is ke mehi clear ki ji ko bar 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 repeat karne ja rahe सो वी शुड हैव सम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जिससे हम ये रेपिटेशन आसानी से कर सकें सी के अंदर काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जिनके साथ हम लूपिंग इसको लूप भी कहते हैं लूपिंग कर सकते हैं उसके लिए हम एक कॉन्स्ट्रक्ट के साथ आज शुरू होंगे वो है वाइल स्टेटमेंट वाइल जो है अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डब्ल्यू एच आई एल ई यहाँ पे लेट मी जस्ट पॉज एंड री एट्रेट देखें जब भी मैं आपको सी का कोई वर्ड बताता हूँ पिछले लेक्चर में मैंने इफ़ और एल्स की बात की आज हम वाइल की बात करने लगे हैं ये सारे सी के की हैं इन की को आप एज वेरिएबल नेम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते सो so, आज वाइल से शुरू करते हैं वाइल कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जी जब तक वाइल मीन्स जब तक जब तक एक खास कंडीशन जो है वो ट्रू है तो ये करते रहो और ये जो चीज़ होगी ये स्टेटमेंट्स होंगी और बिल्कुल जिस तरह इफ के साथ हमने बात की वाइल के साथ भी आप ब्रेसेस लगा सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स या रहने दें रहने कब देंगे जब वाइल की वजह से जो काम करना है वो अगर सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है बट अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ फॉर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि जब भी वाइल लिखें कंडीशन के बाद आप ब्रेसेस खोलें फिर बेशक एक स्टेटमेंट लिखनी है या हज़ार लिखनी है वो आप लिखें और वो इंडेंट करके लिखें क्योंकि ब्रेसेस के अंदर ये ब्लॉक आ रहा है और फिर ब्रेसेस बंद कर दें इससे अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स या लॉजिकल एरर्स नहीं होंगे सो वाइल्ड लूप इज़ द फर्स्ट वन दैट वी वरी अबाउट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्ट इट्स अ वेरी एलिगेंट कंस्ट्रक्ट एंड इसका बेसिक सिंटेक्स जो है वो इसी तरह है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये वाला काम करते रहो सो इन सी देंटेक्स वाइल फिर परेंथीसीस और परंेंथिस के अंदर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है ऑबियसली विल कंटेन अ लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर एंड वाइल मींस कि जब तक ये रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू जवाब देती रहे यानी जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो बाकी स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट होती रहेंगी अब हम लेट्स गो बैक टू आर एडिशन प्रॉब्लम एंड सी इफ वी कैन डू इट इन अ नाइस सिंपल एलिगेंट मैनर अब हमारा प्रॉब्लम क्या था लेट मी रि इट सेड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट वन थाउजेंड इंटेजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन सो इन टर्म्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग अब मैं आईओ स्ट्रीम की भी नहीं बात करता मैं मेन की नहीं बात करता मैं सीधा सीधा प्रोग्राम की बॉडी की बात कर रहा हूँगा हम पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें सम जाएगा चलें उसका नाम ही हम सम रख देते हैं अगेन प्रोग्रामिंग का वो टोटका जो मैं बात करता रहता हूँ कि जी द नेम इज़ सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी वो अपने आप को ही एक्सप्लेन कर देता है अगर आप प्रोग्राम पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा इस वेरिएबल में क्या आएगा सो वी से इंट सम सेमिकोलन अगेन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल प्लीज इनिशलाइज इट सो वी साम इक्वल्स जीरो सेमीकोलन सो वी मेड शोर देट वी गॉट अ बकेट जिसमें जवाब रखा जाएगा और वो बकेट इस वक्त खाली है इसके लिए भी सी में एक शॉर्ट हैंड है कि जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो आप उसको इनिशलाइज़ भी उसी लाइन पर कर सकते हैं इट्स अ मैटर ऑफ स्टाइल

और सम इक्वल टू जीरो लिखता हूँ कि इनिशलाइजेशन या उसकी जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो अलहदा एक लाइन पे नज़र आए चलें यहाँ तक तो इनिशियलाइजेशन हो गई क्या हम अब इसके अंदर नंबर जमा कर सकते हैं वेल well, पहले तो एक नंबर के लिए हमें वेरिएबल चाहिए सो so, जहाँ पे हमने इंट सम लिखा था उसके साथ हम कॉमा डाल के नंबर भी लिख देते हैं सो नाव वी हैव इंट सम कॉमा नंबर सेमिकोलन क्या होगा नंबर वो वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हम इंटीजर्स रखेंगे कि इस वक्त कौन से इंटीजर के साथ काम किया जा रहा है सो so, पहली चंद लाइनें जो हैं कोड की वो कंप्लीट ये बनेंगी कि पहले होगा इंट सम कॉमन नंबर सेमिकोलन फिर हमने सम को इनिशलाइज़ किया विज समल ज़ीरो सेमीकोलन उसके बाद हमने कहा पहला वाला नंबर लो हमने कहा था इंटीजर्स सो so, पहला वाला इंटीजर लो एंड गोइंग बैक टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें हमने लिखा था कि जी पहला इंटीजर वन होगा तो हमने कहा नंबर इक्वल्स वन सेमीकोलन आई कीप रिपीटिंग थिंग्स ये दोनों असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं इन्होंने किया क्या कि जो वो जो बाल्टियाँ थी वो जो मेमरी लोकेशन थी जिनको हमने लेबल किया हुआ एक को सम और एक को नंबर सम में हमने ज़ीरो रख दिया है और नंबर वाली लोकेशन में हमने वन रख दिया है रिमेंबर दिस इज असाइनमेंट नॉट एन इक्वालिटी ठीक अब हम आगे चलते हैं अब हमारा प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम वही है कि जी अब जगह भी मिल गई नंबर भी हाथ आ गया अब इनको जमा करना शुरू करो हमने कहाँ तक जमा करना है ये बनती है वाइल स्टेटमेंट की कंडीशन हमने कहा कि जी हमें पहले हजार नंबर चाहिए यानी वन टू वन थाउजेंड जो इंटीजर्स हैं वो लेने हैं सो हमारी एंडिंग कंडीशन जो है वो है वन थाउजेंड जब नंबर की वैल्यू वन थाउजेंड हो जाएगी उस वक्त हम रुकेंगे सो व्हाट डू वी डू व्हाट वी डू इज वी से इनिशलाइज तो ऊपर हो गया नंबर इज इक्वल टू वन सो वी से वाइल पर ओपन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1000 थाउजेंड पर एंथीसिज क्लोज रिलेशनल ऑपरेटर है पिछली दफ़ा बात की थी लेस देन इक्वल टू साइन इकट्ठे लिखे जाएंगे इनके दरमियान में स्पेस नहीं देनी और इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू सो अब कंडीशन हमने क्या बनाई है हमने कहा है, जब तक नंबर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक हज़ार या उससे कम है ये अभी कंडीशन है सो so ये आधी स्टेटमेंट है अब आगे क्या चलेगा कि जी इस तक क्या करो सो वी से वाइल पैरेंथिस नंबर लेस दैन इक्वल टू वन थाउजेंड फॉर एंथिस क्लोज ओपन अब कर्ली ब्रैकेट में डाल रहा हूँ अगेन स्टाइलिस्टिक इशू कि जी इसके अंदर सम हम कैसे लाएंगे सो so, अब क्या करना है एक्शन पहले एनालाइज कर लें थोड़ा सा इसका सोच लें कि एक्शन क्या है एक्शन ये है कि जी जो करंट वैल्यू है हमारे पास नंबर की उसको उठाओ और सम वाली बाल्टी में डाल दो उसके बाद क्या करो नेक्स्ट नंबर जनरेट करो So, पहली लाइन बड़ी सिंपल हो गई सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर ये मैंने इस तरह क्यों लिखा है मैंने क्यों सम इक्वल टू नंबर क्यों नहीं लिखा सिंपल रीज़न अगर हम लिख देते सम इक्वल टू नंबर तो वो तो हो जाती असाइनमेंट स्टेटमेंट और सम की बाल्टी जो है उसमें जो भी चीज़ थी वो ज़ाया हो जाती एंड इट वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ नंबर वी डोंट वांट टू रिप्लेस इट बाय नंबर व्हाट वी वांट टू डू इज

उसी का वेरिएंट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर ठीक नेक्स्ट हमने क्या करना है ये अगला नंबर जनरेट करें सो गिवन एनी इंटीजर व्हाट इज़ द नेक्स्ट इंटीजर इट इज़ इंटीजर प्लस वन सो वी पुट इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर इक्वल्स नंबर प्लस वन उसके बाद कुछ करना है ख़त्म ब्रेस बंद करें वाइल्ड स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया जस्ट थिंक अबाउट इट इट इज़ सो एलिगेंट ना आपने दस नंबर टाइप किए हैं ना सौ किए हैं ना हज़ार किए हैं छोटी सी एक वाइल लूप लगाई है चार लाइनों की या तीन लाइनों की हमने कहा है वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू वन थाउजेंड सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन ये लूप चलेगी क्या हो रहा है नंबर की वैल्यू हर लूप में बढ़ती जा रही है वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर एंड सो ऑन उतनी देर तक वो जो ऊपर वाइल के साथ कंडीशन लगी हुई है विच सेज वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू वन थाउजेंड ये ट्रू चलती जा रही है जब नंबर वन थाउजेंड हुआ तो फिर भी ये कंडीशन ट्रू है आप लूप के अंदर दाखिल होंगे आप कहेंगे सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर आखिरी नंबर आ गया वन थाउजेंड अब उसमें जमा हो जाएगा नेक्स्ट लाइन कहती है नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस वन तो नंबर की वैल्यू अब हो जाएगी वन थाउजेंड एंड वन अब जब ऊपर जाके वाइल लूप इसको फिर टेस्ट करेगी कहेगी वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू तो वन थाउजेंड तो इसका जवाब आएगा फॉल्स जब ये फॉल्स आया तो लूप खत्म हो गई सो अब आपका कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो वाइल के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एक्सीक्यूट नहीं करेगा उसे एंड ब्रेस से आगे चला जाएगा वहाँ पे वी कैन पुट इन द सिंपल लाइन सेइंग सी आउट लेस दैन लेस दैन कोटेशन मार्क्स में अगेन टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड बी पोलाइट द सम ऑफ द फर्स्ट वन थाउजेंड इंटिजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन इज ये सारी चीज़ कोटेशन मार्क्स में डाल दी फिर लेस दैन लेस दैन साइन और फिर सम सेमी कोलन तो सी आउट की आपको प्रॉपर्टी याद है वो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को भी हैंडल करना जानता है इंटिजर्स को भी हैंडल करना जानता है तो उसने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखी उसके बाद सम की जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी स्क्रीन के ऊपर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अब इसमें देखें थोड़ा सा इस प्रोग्राम पे थोड़ा सा वक्त लगाते हैं थोड़ा सा उधेड़ते हैं और देखते हैं इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है कि नहीं पहली चीज़ अब अगर मैं फिर उसी फ्रेम ऑफ माइंड में वापस आ जाऊँ कि जी मैंने स्टूडेंट्स को आज तंग ही करना है मैं कहता हूँ कि अच्छा वन का सम ले लिया हाँ तो अब जाके आप ट्वेंटी थाउजेंड पहले इंटीजर्स जो है ना जो एक से शुरू होते हैं उनका सम लें क्या करेंगे आप पहली दफ़ा जब ये मैंने बात की थी उस वक्त तो हार्ट अटैक वाली बात थी क्योंकि दस नंबरों की बाद जब सौ तक टाइप करना पड़ेगा फिर हज़ार तक टाइप करना पड़ेगा फिर हमने लूप डाल दी जिंदगी बड़ी आसान हो गई अब क्या है आप प्रोग्राम खोलेंगे जहाँ पे हमने वन थाउजेंड लिखा हुआ है वहाँ पे हम जो भी नया टारगेट वैल्यू है लेट्स से टू थाउजेंड वहाँ टू थाउजेंड कर देंगे तो लूप जो है वाइल्ड नंबर लेस देन इक्वल टू टू थाउजेंड और पहले दो हज़ार इंटीजस का सम आपको दे देगा प्रोग्राम तीन हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार यू मे बी वॉन्टिंग टू ट्राई इट आउट आप अपने लिए ट्राई तो आउट करें बल्कि इट माइट बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि जी कहाँ तक आप सम ले सकते हैं अगर आप कहें कि जी पहले एक लाख इंटीजर्स का सम तो क्या जवाब सही आता है कोई ऊटपटांग जवाब तो नहीं आ जाता देखें आप कहाँ तक पहुँचते हैं टेक इट टू द डिस्कशन बोर्ड टॉक अबाउट इट जिस लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा हिंट हो गया होगा कि जी इंटीजर वेरिएबल्स के साथ हम काम कर रहे हैं इंटीजर वेरिएबल्स के लिए मेमोरी के अंदर एक ख़ास किस्म की एक एक ख़ास साइज़ की जगह रिजर्व है अगर नंबर इतना बड़ा हो जाए कि उस जगह में फिट ना आए तो एक ओवरफ्लो कंडीशन हो जाती है अब दो चीज़ें होंगी या तो आपका प्रोग्राम चलते वक्त एरर दे देगा कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगा क्योंकि उसको नहीं पता कि उस जगह पे क्या वैल्यू जाएगी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल सम की नंबर तो ठीक है फिर <coughs> उसमें उसके बाद अगर हम ये बात करते हैं कि जी ओवरफ्लो हो गया तो या रन टाइम एरर आए और या वहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखी जाएगी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी वैल्यू तो जो वहाँ पर कंप्यूटर लिखना चाहेगा मेमरी लोकेशन में वो लिखेगा जो एक्स्ट्रा बेट्स हैं जो उस जगह में पूरी नहीं आती वो कहीं गायब हो जाएंगे स्पेस में चलेगी लिहाजा जो जवाब अब सम वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है वो वो नहीं है जो कि सवाल का जवाब है ये कोई और ही नंबर है सो यू माइट वॉन्ट टू प्ले विद इट एंड डिस्कवर द लिमिट्स ऑफ योर कंप्यूटर एंड योर कंपाइलर कि जी कितने नंबर हैं जिनका हम सम ले सकते हैं लेट्स गो ऑन विद द सेम प्रॉब्लम एंड सी हाउ वी डिवेलप इट फर्दर देखें जब मैंने कहा कि जी 1000 वाला प्रॉब्लम हल हो गया अब इसको 2000 पे ले जाएं, 5000 पे ले जाएं। हर दफ़ा आप क्या कर रहे थे आप कर रहे थे कि जी प्रोग्राम को फिर आपने एडिटर में खोला याद है एडिटर यानी आपने तो अपनी इंटेग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में प्रोग्राम को खोलना है और वहाँ पर जाके आपने फिर कोई उसके मॉडिफ़िकेशन की फिर प्रोग्राम को कम्पाइल किया और दुआ की कि जी मॉडिफिकेशन करते वक्त कोई सिंटेक्स ना बीच में चला जाए कोई जेर ज़बर कॉमा फ़ुल स्टॉप एक्स्ट्रा ना डल जाए और फिर आपने उसको एक्सीक्यूट किया फिर जवाब लिया मैंने आके फिर एक और टारगेट दे दिया आपने फिर प्रोग्राम एडिट किया तो अब अब इस लूप में पड़े हुए एडिट कंपाइल एक्सिक्यूट चेंज यानी एडिट अगेन कंपाइल एक्सीक्यूट तो कैन यू डू समथिंग बेटर ये अब री की तरफ मैं जा रहा हूँ कैन यू राइट द प्रोग्राम जहाँ पे मैं आके आकूँ अगर आके कि जी मुझे पहले इतने इंटीजर्स का सम दे दो तो विदाउट चेंजिंग द प्रोग्राम आप उतने इंटीजर्स का सम मुझे बता सकें सोचें क्या अप्रोच होगी अप्रोच काफ़ी सिंपल है एंड आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू वुड ऑलरेडी हैव थॉट ऑफ इट सपोज जो वाइल स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा हुआ नंबर लेस देन इक्वल टू वन थाउजेंड उसको हम चेंज कर दें हम कहें वाइल्ड नंबर इज लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट तो ये अपर लिमिट कहाँ से आ गई ये अपर लिमिट आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें फिर यूज़र को कहें कि जी प्रोग्राम चलाते वक्त आपको बताया कि जी, कि जी कितने नंबरों का सम चाहिए सो अगेन गुड प्रैक्टिस गुड स्टाइल थिंकिंग ऑफ री यूज वॉट वुड वी डू हमने पहले दो वेरिएबल्स रखे हुए वे थे सम और नंबर हम एक और वेरिएबल साथ डाल देते हैं सो इंट सम कॉमा नंबर कॉमा अपर लिमिट सेमिकोलन अब सम और नंबर को इनिशलाइज कर दिया टू जीरो एंड वन रिस्पेक्टिवली और फिर फॉरन यूजर को कहा कि बताओ अपर लिमिट क्या है अब इसके इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट्स आएंगे आपने कहा सी आउट लेट्स गिव द यूजर अ प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर द अपर लिमिट फॉर विच यू वॉन्ट द सम और उसके बाद सी इन के साथ ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन अपर लिमिट सेमीकोलन यूजर ने जो नंबर टाइप किया मैं कर देता हूँ वन टू थ्री फोर अब प्रोग्राम इसको इंटरप्रेट करेगा कि पहले एक हज़ार दो सौ चौंतीस इंटीजर का सम चाहिए ये करने के बाद जब आप वाइल पे आएंगे, तो अब अपर लिमिट की कोई वैल्यू आ चुकी है आप कहते हैं वाइल नंबर लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट वही चीज़ सम इक्वल टू सम प्लस नंबर नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस वन अब ये प्रोग्राम एटलीस्ट इंटीजर्स को जमा करने की हद तक बिल्कुल जेनेरिक हो गया इससे आगे में खल काफ़ी हमने कर लिए इस प्रोग्राम को और नहीं उधेड़ते लेकिन ये देख लें कि अब अगर मैं इसमें जाके अपर लिमिट जब वो प्रोग्राम मुझसे मांगता है चलते वक्त वहाँ मैं ज़ीरो डाल दूँ तो क्या होगा अगर अपर लिमिट की वैल्यू ज़ीरो कर दी तो जब वाइल्ड स्टेटमेंट पे आप आएंगे वहाँ लिखा होगा वाइल्ड नंबर इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो और नंबर की उस वक्त पहली दफ़ा उसकी वैल्यू क्या थी ऊपर आपने लिखा है नंबर इक्वल्स वन और फिर आप वाइल में आए हैं और कहा है वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो क्या यह कंडीशन ट्रू है आंसर इज ऑब्वियस कंडीशन इज फॉल्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स द लूप विल नॉट रन नॉट इवन वन टाइम सो वाइल्ड स्टेटमेंट पहली दफ़ा ही फेल हो जाएगी नीचे आ जाएंगे और आपका लिखा हुआ आ जाएगा द सम ऑफ़ द फर्स्ट हाँ यहाँ पे भी अपर लिमिट डाल दें आउटपुट स्टेटमेंट में सो यू वुड से सी आउट लेस देन लेस देन कोटेशन मार्क्स द सम ऑफ द फर्स्ट स्पेस छोड़ दें एंड कोटेशन मार्क्स फिर लेस देन लेस देन अपर लिमिट फिर कंटिन्यू करते रहते हैं स्टेटमेंट को लेस देन लेस देन फिर कोटेशन मार्क्स खोले फिर स्पेस छोड़ दी और कहा इंटीजर्स इज स्पेस छोड़ के एंड कोटेशन मार्क्स लेस देन लेस देन सम सेमी कोलर यहां पे जब ये प्रोग्राम चलेगा और आपने अपर लिमिट डाल दी जीरो तो लिखा हुआ द सम ऑफ द फर्स्ट जीरो इंटीजर्स इज जीरो वेरी करेक्ट ठीक है सो इट्स इंटरेस्टिंग जी एक बाउंड्री कंडीशन जो थी ना एक एबनॉर्मल कंडीशन जी पहले जीरो नंबर्स का सम लो तो पहले जीरो नंबर्स का सम तो जीरो ही आना चाहिए उसका जवाब सही आया सो यू कैन सी के जस्ट बाय प्लेइंग विद वन सिंपल प्रोग्राम यू कैन गेट इट टू बिकम मोर एंड मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग हाउ अबाउट इफ यू मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग लेट अस टेक द सेम प्रॉब्लम बट उसकी स्टेटमेंट के अंदर एक छोटा सा चेंज कर देते हैं मैं आपको कहता हूँ कि जी वही पहले एन इंटीजर्स वन थाउजेंड लेट से स्टार्टिंग फ्रॉम वन इनके अंदर जो इवन इंटीजर्स हैं उनका सम चाहिए मुझे अब देखें दो तीन हम चीज़ें कर रहे हैं एक तो जैसे ही मैंने कहा ना कि पहले इतने तो यू शुड थिंक लूप लूप चलेगी जी यहाँ पे लेकिन साथ मैंने उसको क्वालिफाई कर दिया कि जी मुझे अब इवन इंटीजर चाहिए तो जब ईवन इंटीजर चाहिए तो ये एक कंडीशन बन गई तो नाउ एज सुन एज यू थिंक और हियर द वर्ड कंडीशन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इफ़ सो इसके लिए करने के लिए हम क्या करेंगे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाता है हम पहला हिस्सा वही रहने देते हैं अपर लिमिट वाला वाइल स्टेटमेंट भी वही रहेगी बट वाइल के अंदर हम कह रहे हैं जमा किस चीज़ को करना है अगर करेंट नंबर जो है वो इवन है तो फिर उसको सब में जमा कर दो वरना जमा ना करो इन दर्ज डू नथिंग सो इट्स अ सिंपल इफ़ इट डजेंट एल्स वाइल के अंदर अब आ जाएगा इफ और फिर ब्रैकेट में हमें जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन है इफ नंबर इज़ इवन ये तो मैंने अंग्रेजी बोल दी द क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी राइट इट इन सी नंबर इज़ इवन क्या ख्याल है अब आपके पास कुछ तो अरेथमेटिक ऑपरेटर्स आपने देखे थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो कोई इनमें से ऐसा ऑपरेटर है जिसके ज़रिए से हम ये मालूम कर सकें कि एक इंटीजर जो है वो ईवन है कि नहीं यानी अगर ईवन नहीं है तो ऑड होगा याद आया थिंक अबाउट इट अगर हम मॉड ऑपरेटर इस्तेमाल करें वो परसेंटेज साइन जो इस्तेमाल किया था और हम कहें नंबर मोजुलो टू नहीं इवन नंबर का टेस्ट क्या होता है कि जी वो दो से एग्जैक्टली exactly डिवाइड होता हो सो so, अगर हम कहें नंबर मॉड्यूलो टू और उसका जवाब आए जीरो तो दैट मीन्स द नंबर इज इवन अब इसकी जरा सी स्टेटमेंट तो फॉर्मुलेट करें कैसे लिखा जाएगा ये जो टेस्ट हमने कहा था इफ़ नंबर इज इवन सो द वे वी राइट इट इज इफ परेंथिस नंबर परसेंटेज टू क्वल इक्ल ज़ीरो परेंथेसिस क्लोज्ड अगेन आई एम रिकिंग कि जब हमने इक्वालिटी का टेस्ट करना है तो सिंगल इक्वल टू नहीं वो असाइनमेंट है डबल इक्वल टू का साइन इस्तेमाल किया जाता है सो विफ नंबर मॉजुलो टू इक्वल इक्वल ज़ीरो परंथिस क्लोज्ड और फिर वही स्टाइल इशू ब्रेस डाल दें हालांकि एक स्टेटमेंट एक ही है कर्ली ब्रैकेट ओपन इंडेंटेशन बाई वन यूनिट और वहाँ पे लिखेंगे सम एक सम प्लस नंबर नेक्स्ट लाइन ब्रेस इज क्लोज अब क्या हो रहा है ये हमने इफ़ स्टेटमेंट वाइल स्टेटमेंट के अंदर लिखी है कोई हर्ज नहीं है वाइल के अंदर इफ़ हो सकता है बल्कि वाइल के अंदर एक और वाइल भी हो सकता है वो नेस्टेड वाइल लूप बन जाती हैं अब हमारा प्रोग्राम देखें क्या बना सिंपल इनिशलाइज किया सम ज़ीरो हो गया नंबर वन हो गया हमने अपर लिमिट यूज़र से गेट कर ली लेथे उसने एक हज़ार दो सौ चौंतीस डाल दिया अब हम वाइल में आ गए वाइल में लिखा वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट वाइल के अंदर चले गए वहाँ पर पहले टेस्ट किया कि जी जो इस वक्त हम नंबर जिसको हैंडल कर रहे हैं वो ईवन है कि ऑड है ने कहा इफ़ नंबर परसेंटेज टू यानी नंबर मॉड टू इक्वल इक्वल जीरो ब्रेसिस के साथ हमने इफ़ की स्टेटमेंट दे दी सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर इफ़ स्टेटमेंट ख़त्म हो गई और उसके बाहर निकल के हमने कहा नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन यानी नंबर तो हमने बढ़ाना ही है रिगार्डलेस ऑफ कि वो इवन है कि ऑड है सो so, पहले वन जो है वो ऑड होगा सम में जमा नहीं होगा नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन चला जाएगा वन से टू हो जाएगा वापस लूप में आएंगे सम में टू जमा हो जाएगा बिकॉज नंबर परसेंटेज टू विल बी जीरो एंड द लूप रन और अब जब इससे निकलेगी तो ऑब्वियसली आपको सी आउट को चेंज कर देना चाहिए यू शुड से the sum of all even integers between 1 and upper limit jobowski value hai, is or per sum obviously that is an exercise for you but you already have this program in your handout so you should be able to seek a syntax of the c out statement kya ban raha hai. so interesting we have found how to determine even numbers third exercise karte what agar c may percentage operator na hota बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं बाकी सब रूल्स वही हैं लेकिन मॉड्यूलो ऑपरेटर नहीं है कोई ट्रिक सोच सकते हैं आप जिसके तहत आप इवन नंबर डिटरमिन कर सकें थिंक अबाउट इट ओके आई कैन टेल यू द आंसर बट डू गिव इट अ सीरियस थाट हाउ वुड यू डू दैट देखें मच अर्लियर ऑन कुछ लेक्चर्स पहले हमने बात की थी एक चीज़ होती है इंटीजर डिवीजन और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जी इंटीजर डिवीजन जो है वो ट्रंकेट कर देती है आंसर को यानी फाइव 2 टू सी के अंदर जब एक्सिक्यूट होगा एज एन इंटीजर डिवीजन, इसका आंसर आएगा टू आंसर विल आल्सो बी एन इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट विल बी थ्रोन अवे ट्रंकेटेड सो वी गॉट फाइव 2 टू इज इक्वल टू टू अब टेस्ट कैसे कर रहे हैं हम इवन नंबर के लिए ये एक प्रोग्रामिंग ट्रिक है इस वास्ते मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मोर ट्रिक्स यू हैव इन योर गुड ओल्ड टूल बैग द मोर इक्विप्ड यू विल बी टू हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हमने किया कि जी एक नंबर लिया उसको और नंबर इंटीजर है उसको टू से डिवाइड किया इंटीजर डिवीजन जो भी जवाब आया उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया अगेन इंटीजर मल्टीप्लीकेशन बताइए जवाब क्या होगा सो वी गॉट टू स्टार परेंथ खोलें नंबर स्लैश टू परेंथिस क्लोज्ड। व्हाट इज द रिजल्ट? देखें क्या होगा अगर नंबर इवन है तो अंदर जो डिवीजन होगी ना नंबर डिवाइडेड बाय टू वो एग्जैक्ट आंसर देगी ठीक है इट विल गिव एन एक्यूरेट आंसर उसको आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा अगर जो नंबर की वैल्यू उस वक्त है वो इवन ना हो तो इंटीजर डिवीजन बाय टू जो है उसमें आंसर ट्रंकेट होगा और आपको नेक्स्ट लोअर इंटीजर मिलेगा एज एन आंसर जब उसको आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर नहीं मिलेगा सो यू कैन थिंक ऑफ फॉर्मुलेटिंग अनादर टेस्ट फॉर फाइंडिंग वेदर अ नंबर इज़ ईन और नॉट विदाउट यूजिंग द मॉडुलर ऑपरेटर ये एक एसाइट थी जस्ट टू एड अ लिटल ट्रिक टू योर टूल के बिकॉज हु नोज़ कि आप जब प्रोफेशन प्रोग्रामर बन जाते हैं आप किस लैंग्वेज में काम कर रहे हूं? हो सकता है उस लैंग्वेज में मॉड ऑपरेटर हो ही ना और अगर ना हुआ तो फिर क्या मतलब कि हम इवन नंबर्स नहीं डिटरमिन कर सकते वी कैन ओके कीप दैट इन माइंड अब लूप्स के अंदर देखें क्या हुआ क्या हमने जो दो तीन छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखे हैं पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि बड़ा क्लीन और एफिशिएंट और एलिगेंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग हमें मिल गया एक लंबे चौड़े प्रोग्राम को जिसमें हमने वन प्लस टू करना था या जो भी करना था छोटा सा कॉन्साइस लैंग्वेज के अंदर एब्रीविएट होकर तीन लाइनों के अंदर प्रोग्राम काम कर जाता है एंड वो तीन चार लाइनें कर क्या रही हैं हज़ारों कैलकुलेशनस कर रही हैं कितनी दफ़ा आप लूप चलाना चाहते हैं आप डिटर्मिन करें जो लूप्स अभी तक हमने एग्जांपल्स प्लेस किए हैं वो अपर लिमिट पे चल रहे हैं ठीक है ना जब तक ये नहीं होता ये करते जाओ और नॉर्मली इस तरह की लूप जो है उसका जो टेस्ट होता है वो लूप की बॉडी के अंदर कोई कंडीशन को चेंज कर रहा होता है इन दिस केस हम ऊपर टेस्ट कर रहे थे नंबर की वैल्यू को और लूप के अंदर नंबर की वैल्यू को चेंज करते थे ये तकरीबन लाजमी है स्ट्रक्चर के अंदर कि जी आप अंदर उसकी जब वैल्यू चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल वाइल की कंडीशन को चेंज करे अदरवाइज एक प्रॉब्लम भी हो सकता है ठीक है ना सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल लेते चलें कि जी अगर हम बात कर लें कि एक और वेरिएबल ऊपर डाल दिया ठीक है और वेरिएबल का कोई और नाम दे दें ठीक है ना जंक इंट जंक भी है और जंक को आपने कह दिया जंक इज़ इक्वल टू वन लूप हम लिख दें वाइल जंक इज़ लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट और लूप के अंदर जंक को कुछ ना करें हम कहें सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन क्या होगा बुरी बात होगी दिस इज वॉट इज कॉल्ड एन इनफिनिट लूप जंक को तो आप चेंज ही नहीं कर रहे जो वाइल की कंडीशन है वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रू बैठी रहेगी कंप्यूटर चल चल के पागल हो रहा होगा जब तक कोई ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आती या बिजली नहीं जाती या कंप्यूटर में से धुआं नहीं निकलता वो चलता ही रहेगा योर प्रोग्राम विल बी स्टक फॉर इन्फिनिटी वॉच आउट फॉर देट मेक श्योर कि जब आप कोई भी लूप टेस्ट लगा रहे हैं इन दिस केस नंबर लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट वो लूप टेस्ट एडिक्वेट एग्जिट रखता हो कोई कंडीशन ऐसी चेंज हो रही हो जिसके अंदर उसको एग्जिट पॉइंट मिल जाए बी वेरी केयरफुल विद डेट वी डोंट वांट इन्फिनिट लूप्स तो वाइल लूप जो है वो हमें बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की सलाहियत दे देती है इसको कंबाइन कर दें इफ स्टेटमेंट के साथ जैसे अभी हमने किया तो आप बेशुमार अपने लिए एग्जांपल्स कर सकते हैं एग्जांपल मैं आपको पोज कर देता हूं कि जी अब आप ऑड नंबर्स बिटवीन वन एंड लेट्स वन थाउजेंड और वट एवर नंबर इज़ कीड एट द की उनके दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं उसका निकालें। अलेधा अलेधा सम निकालें आप अलहदा अलहदा सम निकालें ईवन नंबर्स का सम ये ऑड नंबर्स का ये और इस्तेमाल एक ही लूप करनी है ज़रा सोचें क्या करेंगे हिंट इफ एल्स आपके पास है या नंबर इवन है या ऑड है अगर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे हम ज़रा लूप का भी फ्लो चार्ट आपको इंट्रोड्यूस करते चलें इसका स्ट्रक्चर ज़रा सा डिफरेंट है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा लेकिन मुश्किल नहीं है सिंपल है देखें वायल लूप में पहली चीज़ क्या है कंडीशन कंडीशन के लिए हमारे पास डायमंड का सिंबल मौजूद है कंडीशन के साथ आपने कोई एग्जिट लगानी है या कैसे वाइल लूप से निकलना है और बाद में वाइल लूप की बॉडी आ जाती है क्या स्टेटमेंट है तो ज़रा इस कॉन्सप्ट के ऊपर गौर करें कि ऊपर से आप दाखिल हुए एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें आपने लिखा वाइल और रेक्टेंगल से राइट हैंड साइड की तरफ आपने लाइन निकाली और उस पे ऊपर आके आपने एक डायमंड बना दिया और डायमंड के अंदर वाइल की कंडीशन लिख दी अब डायमंड से आप नीचे को जो लाइन बनाएंगे वो है अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा यानी वाइल लूप चलेगी तो क्या होगा नीचे आप रेक्टेंगल बनाएं एक बनाएं पांच बनाएं वो प्रोसेस हैं जो लूप के अंदर चलेंगे इन रेक्टेंगल्स के नीचे से जो लाइन आएगी वो आप घुमा के ऊपर ला के मिला दें जैसे कि आपको डायग्राम में दिया भी गया हुआ है और वो एक लूप का स्ट्रक्चर बन जाता है और जो वाइल का रेक्टेंगल था उसके नीचे से हमने लाइन बाहर निकाली और वो वाइल की एग्जिट बन गई यानी क्लोजिंग ब्रेस इधर को बनेगा सो so, वाइल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो फिर ऊपर से नीचे को एक सीधी लाइन है और दरमियान में एक रेक्टेंगल है जिसमें वाइल लिखा हुआ है सो so, बाकी सब चीज़ें राइट को नज़र आएंगी यही चीज़ है जो हम कोड में इस्तेमाल कर रहे थे कि जब वाइल लूप लिखी तो उसके जो बॉडी है उसको हमने इंडेंट कर दिया था सो so अगेन ये फ्लो चार्टिंग कंस्ट्रक्ट जो है ये भी हमें हेल्प करती है कोड के साथ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस में अभी हम कर क्या रहे हैं हम उल्टा काम कर रहे हैं हम पहले कोड लिख लेते हैं फिर उसका बताते हैं कि जी फ्लो चार्ट क्या बनता है वो इस वास्ते कि अभी हम ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाद में जब प्रॉब्लम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो नॉर्मली उनके एनालिसिस में आप पहले फ़्लो चार्ट बनाएंगे और फिर आके कोड लिखेंगे सो इन कॉन्स्ट्रक्ट को आपने पास रखिएगा अपने टूल बैग में रख लें फिर हमने वाइल के अंदर इफ़ स्टेटमेंट डाला था इसी कॉन्स्ट्रक्ट को अगर देख लें कि जी वाइल के डायमंड से नीचे को जो लाइन आई है जहाँ पे हम प्रोसेसिज बना रहे हैं वहाँ पे आप इफ़ स्टेटमेंट लगा देंगे याद है आपको कि मैंने इफ स्टेटमेंट का बताया था कि जी ऊपर और नीचे एक नुकता लगाएं और नुकते के साथ जो भी इफ का कॉन्स्ट्रक्ट बनता है देर आर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द इफ स्टेटमेंट इट्स वेरी सिंपल जहाँ पे भी वाइल की बॉडी के अंदर कोई रेक्टेंगल आना है वो रेक्टेंगल निकाल दें और उन नुकतों को वहाँ पे जोड़ दें सो वॉट यू विल सी इन द पिक्चर द पिक्चर इज़ द फ्लो चार्ट इसके जी वाइल लूप शुरू हुई तो वाइल की बॉडी इंडेंट हो गई वाइल की बॉडी में गए अगर इफ स्टेटमेंट आ गई तो एक और इंडेंटेशन आ गई सो सेकेंड लेवल इंडेंटेशन सो पिक्चर में भी वही चीज़ नज़र आएगी जो आपको कोड में नज़र आएगी वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई

फैक्टोरियल आपने सुना भी होगा इस्तेमाल भी किया होगा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर उसकी डेफिनेशन होती है अगर आपके पास नंबर एन है तो एन फैक्टोरियल इज़ डिफाइंड एज़ एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस थ्री एंड सो ऑन टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन सो इट्स अ सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या हम किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं प्रोग्राम लिख के और अगर फैक्टोरियल निकाल सकते हैं तो उसको लूप से निकालना चाहिए सीधा सीधा लिख के निकालना चाहिए तो अब मैं वो पूरा एडिंग ऑफ टेन नंबर्स वाला एग्जाम्पल नहीं दोहराऊँगा अब आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि एकदम सोचें बार बार एक ही काम करना है सो so, इसके लिए लेट्स जंप टू द फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग अ वाइल्ड लूप अगेन लेट अस कीप द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग आसानी काम करें कि जी पहले ही ऐसा सोच लें कि जी अगर इन्होंने आज छः का फैक्टोरियल निकलवा लिया तो शायद शाम को कहें कि जी पाँच या सात का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके बताओ या आठ का करके बताओ तो लेट्स यूज़ दैट एज अ वेरिएबल सो फैक्टोरियल प्रोग्राम लेट्स फर्स्ट लुक एट द कोड लेट्स जंप राइट देयर आईओ स्ट्रीम आ गया मेन आ गया ओपनिंग प्लेस आ गई क्या चीज़ चाहिए वेरिएबल्स में एक तो चाहिए किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है सो वी नंबर बाई डेफिनेशन दीज आर इंटेजर्स उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि इसका जवाब किस में आएगा वो है वेरिएबल कॉल्ड फैक्टोरियल आगे चलें आप वही सी आउट करके प्रॉम्प्ट दें सी इन से नंबर की वैल्यू हासिल कर लें सो वी हैव क्यू इन टर्म्स ऑफ कि जी किस नंबर का फैक्टोरियल निकाला जा रहा है यूज़र से गेट कर लें अब फैक्टोरियल की डेफिनेशन में आ जाएं तो अब हमने जो नंबर गेट किया वो इंट नंबर में चला गया वैल्यू जो थी तो वाइल लूप में यही चीज़ आएगी अब वाइल लूप जो है ये होगी वाइल नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन क्योंकि फैक्टोरियल में हमने काउंट डाउन करना है एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री जब तक एक नहीं पहुंचता सो हमारी वाइल्ड कंडीशन वाइल्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन वाइल्ड कंडीशन तो बता दी लेकिन उससे पहले एक और बड़ी सटल सी बात हम अभी तक करते आए वाले प्रोग्राम्स, ठीक है ना सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर एट्सट्रा और उसमें सम को हम इनिशलाइज करते थे टू ज़ीरो जो बाल्टी थी ना वो पहले खाली होती थी और फिर उसमें नंबर हम जमा करते जाते थे ये प्रॉब्लम जो है जो इस वक्त हम टैकल कर रहे हैं वो है फैक्टोरियल का फैक्टोरियल में जो हमारा रिज़ल्ट आएगा हमने वो वेरिएबल रख लिया उसका नाम फैक्टोरियल लिख दिया वो रिज़ल्ट मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आ रहा है हर दफ़ा जो भी हमारे पास नंबर है उसमें किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है सो so, अब क्वेश्चन ये होता है कि जी उस नंबर को ये फैक्टोरियल को इनिशलाइज़ किस वैल्यू से करना है सोचें ज़ीरो ही रखेंगे देखें अगर फैक्टोरियल को ज़ीरो से इनिशलाइज़ किया तो जब हम जाके एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन टाइप कैलकुलेशन लिखते हैं तो हम कहेंगे फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम्स नंबर फैक्टोरियल की तो वैल्यू ज़ीरो है टाइम्स नंबर ज़ीरो ही रहेगी जो मर्ज़ी होता रहे फैक्टोरियल की वैल्यू ज़ीरो रहेगी सो so, ये भी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा जब भी आप किसी चीज़ के प्रोडक्ट्स ले रहे हों और रिपेटेटिव प्रोडक्ट हो तो यूजुअली हम इनिशियलाइज़ वन से करते हैं इन दिस केस आल्सो इट मेक सेंस कि जो वेरिएबल है फैक्टोरियल उसकी इनिशियलाइजेशन वन से हुई हो नंबर जो है वो आपने यूजर से गेट कर लिया और फैक्टोरियल को इनिशलाइज़ किया बाय वन अब लूप चलाई कि जी वाइल नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन लूप की बॉडी आ गई फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय नंबर सो पहली दफ़ा वन था दूसरी दफ़ा वो नंबर आ जाएगा उसके अंदर नेक्स्ट लाइन अब जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन यानी नेक्स्ट कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना है वो नंबर की ओरिजिनल वैल्यू डेक्रीमेंटेड बाय वन सो लूप में नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो आएगी नंबर इज़ इक्वल टू नंबर माइनस वन और याद है ऊपर कंडीशन थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन थी तो अब नंबर जो है वो नीचे को चलना शुरू हो गया और इवेंचुअली वो वन से कम हो जाएगा तो लूप खत्म हो जाएगी अब अगर आप इसी प्रोग्राम को हाथ से चलाना चाहें मैनुअली कैलकुलेट करना चाहें तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सरसाइज आप कंडीशंस लगाएं एक छोटा सा टेबल बना लें नंबर की वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी और फिर हाथ से लूप चलाएं पहले ये लाइन हुई तो क्या वैल्यू आ गई ये लाइन चली तो क्या वैल्यू आ गई एंड यू विल नोटिस कि जी फैक्टोरियल की वैल्यू बिल्ड अप होती जाएगी छोटे से नंबर से कीजिएगा डोंट डू इट विद अ वेरी लार्ज नंबर अदरवाइज यू विल हैव प्रॉब्लम्स बट नन द दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज सिमुलेशन बाई हैंड सो यू माइट वॉन्ट टू ट्राई इट आउट एंड देखें कि इसमें आप प्रोग्राम आगे हाथ से चला सकते हैं कि नहीं एंड देन यू कैन ऑलवेज कम बैक बिकॉज़ फैक्टोरियल जब थोड़े से ही नंबर्स गुजरते हैं ना तो उसका आंसर इतना बड़ा हो जाता है दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वेरीफाई कि जी जवाब सही आया है कि नहीं आया सो ट्राई दिस आउट राइट द फैक्टोरियल प्रोग्राम रन इट फॉर वेरियस वैल्यूज़ अगेन गुड पॉइंट फॉर डिस्कशन बोर्ड कौन सी वैल्यू है जिसका फैक्टोरियल इतना बड़ा हो जाता है कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में एज एन इंट वेरिएबल स्टोर ही नहीं हो पाता ट्राई फाइंडिंग दैट लिमिट छोटा सा वाइल वाइल्ड लूप वाला प्रोग्राम है इसका आप फ्लो चार्ट बना के देखें ठीक है ना प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट इट हैज़ टू बी डन प्रोग्राम अलॉट, प्रैक्टिस अलॉट ड्रॉ योर फ्लो चार्ट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट एक अब थोड़ा सा ख़त्म करते वक्त मैं आपको वाइल्ड स्टेटमेंट की एक प्रॉपर्टी बताता चलूँ अगले लेक्चर में इसके ऊपर ज़्यादा बात होगी देखें बीच में हमने इस लेक्चर में भी एक ऐसी जगह पे पहुँचे थे जब मैंने कहा था कि जी अगर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ज़ीरो इंटिजर्स तो हमने डिस्कवर किया था कि जी वाइल लूप फिर वो चली ही नहीं है पहला ही कंडीशन फेल हो गई उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स थी वो नहीं एक्सीक्यूट हुई और हम बाहर आ गए सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द वाइल्ड लूप इज़ दैट इट एक्सीक्यूट्स ज़ीरो और मोर टाइम्स ठीक इसको थोड़ा सा सोच लीजिएगा ये ज़ीरो मरतबा भी चल सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन या उससे ज़्यादा चल सकती है आगे जाके हम इसके वेरिएंट्स देखेंगे और किस्म की लूप्स देखेंगे जहाँ पे कम से कम एक दफ़ा तो लूप चलेगी वाइल लूप की ये प्रॉपर्टी नहीं है वाइल्ड लूप हो सकता है ज़ीरो दफ़ा चले यानी चले ही ना सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड आज का हमारा लेक्चर जो है वो रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स के ऊपर था यानी लूपिंग स्ट्रक्चर्स उसके अंदर हमने सी की एक लूप डिस्कस की विच इज़ द वायल्ड लूप अच्छी बात यह है कि जी जो अंग्रेजी के वाइल का मतलब है वही सी के अंदर उसका मतलब इस्तेमाल होता है इसी तरीके से जैसे हमने इफ़ और एल्स अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी हैं और उनका वही मतलब जो है वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है इन द सी लैंग्वेज सो इट्स वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अगेन आपके पास सी के कीवर्ड्स की लिस्ट होगी आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि उन कीवर्ड्स पे नज़र आप मारते रहें सो दैट यू नो कि जनाब कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको वेरिएबल नेम्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना हमने वाइल्ड स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट भी बनाया और उसका कॉन्स्ट्रक देखा अगेन आई वुड रेकमेंड स्ट्रांगली दैट यू ड्रॉ योर मैनी 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 फ्लो चार्ट्स फॉर द वाइल्ड स्टेटमेंट और आपके पास अब दो इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट आ चुकी हैं एक कंडीशन है इफ़ एल्स की या इफ़ सिम्पल और एक लूप है वाइल्ड लूप और इनके साथ आप नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स आप लिख सकते हैं आगे चल के अभी हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे अभी तक हमने उसका जिक्र नहीं किया उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जनाब यही दो चीज़ें चाहिए राइट एनी एंड ऑल प्रोग्राम्स उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज